देखिए नेगीदा यही उत्तराखंड की लोक संस्कृति लोक गीतों की खूबसूरती है कि देवी देवताओं के साथ जो हमारा जुड़ाव है प्रकृति से जो हमारा संबंध है वो हमारी परंपराओं से लेकर हमारे सोच विचार उन सब चीजों में झलकता भी है और आपके गीतों में भी बात कुछ भी हो किस्सा कुछ भी हो उसमें माँ गंगा का जिक्र भी आएगा हिमालय का जिक्र भी आएगा और देवी देवताओं का जिक्र भी आएगा तो हमारी जो परंपरा है पहले तो मैं टाइम्स नाव नवभारत टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ मीनाक्षी कि उन्होंने हमको आमंत्रित किया हमको क्या उन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत को आमंत्रित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारी परंपराएं हैं पुरानी प्राचीन परंपराएं जिनको जीवित रखने के लिए हम सभी कलाकार प्रयासरत हैं कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी समृद्ध परंपराएं हैं इन्हें जीवित रहना चाहिए और इन्हें लंबे समय तक आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इसको हम नई पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को इसको हैंड ओवर करें इनको सौंपें इस परंपरा को और तब इस दुनिया से रुखसत हों ये परम ये हाँ हम सभी कलाकारों की ये मंसा है और अभी प्रीतम ने जो संध्या वाली यहाँ पर गाई वो एक परंपरा हमारे यहाँ हर शुभ कार्य के लिए मांगलों की भी है मंगल गीतों की दो पंक्तियाँ मैं उसकी सुनाना चाहूँगा देना हो या खोली का गणेश आए देणा हो या का नारायण देणा हो या भूमिका भूमियाला हो पचनाम देवाए देणा या श्री बदेरी देना हो या, या हरि का हरिद्वारा इस तरह से ये हमारे मांगल गीतों की एक परंपरा है है बहुत लंबी परंपरा है सभी देवी देवताओं का देखिए अभी बोल रहे हैं लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह बात जरूर बताना चाहूंगी उत्तराखंड में पहाड़ों में कोई शादी इस गीत के बिना नहीं होती है जो हल्दी की परंपरा है उसमें सबसे पहला जो मांगल बचता है वो यही बचता है और नेगीता ने अपनी आवाज में इन सुरों को सजाया बहुत सारे सिंगर्स उसके बाद भी आए जिन्होंने लगातार इस गीत को अपनी आवाज दी लेकिन जब नेगीता गाते हैं तो बात कुछ और होती है नेगीता मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी आपने अपने गीतों में चार दशक का जो पूरा आपका ये सेवा रही संगीत